पैदल पैदल जाते हैं मम्मी दिहाड़ी है ताला दे। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं घर में और यहाँ से हम नौ जाएंगे लेफ्ट और राइट वाला जो रोड है कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूर्व विधायिका है श्रीमती कमलेश कुमारी वो भी इसी गांव। और ये मामा जी का घर, लेकिन मम्मी को जाना है। अंकु भाई और अंकु भाई जा रहे हैं मतलब तगड़े हंट पे जा रहे हैं 12-15 दिन के लिए। अभी आए दोस्तों हम फूड ट्रक जो नया वाला यहाँ पे खुला हुआ है भाई के पास। मोमो जो है मतलब यूनिक से बनाए हुए हैं भाई, मतलब फीलिंग ही बहुत। दोस्तों अभी जो है शाम के 8 बज रहे हैं और सामने की तरफ इस तरफ हुआ है सनसेट, तो थोड़े बहुत आपको शेडो दिखाई दे रही होगी। और इस तरफ जो है काम चला हुआ खेतों में साफ सफाई का, तो गेहूं के बाद जो भी मतलब कचरा रह जाता है ना उसको साफ कर रहे हैं, अभी जला रहे हैं, तभी जो है फिर गोबर फेंकेंगे मक्की की फसल के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों अभी जो है सुबह के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा के घर पे। तो मामा के घर मतलब घर तो नहीं जा रहा, बस मम्मी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मम्मी जा रही हैं मतलब मामा के बेटे की शादी जो रखी जाएगी आज, तो मम्मी थोड़े लेट हो गए थे, मासी वगैरह चले गए थे, तो अभी मम्मी जी को ड्रॉप करने जा रहे हैं हम। और अभी पहुंचे हैं डिडमी के पास। तो अभी जो दोस्तों हमने जाना है बुठमी अग्निहोत्री बुठमी, और मैं जा रहा हूं अभी अगार होके। पहले एक रास्ता मतलब हम जब बचपन से जाया करते थे तो जाते थे ताल से पैदल जाते हैं मम्मी दिहाड़ी है ताला दे। तो मम्मी मतलब जिस टाइम ये हम पढ़ते थे 4th-5th क्लास तक होने हैं, उस टाइम तक कोई रोड की फैसिलिटी नहीं थी दोस्तों। और महल में भी अभी मतलब पुल जो बना है वो भी बाद में बना है पुठमी उस साइड के लिए। तो मतलब मेन स्टॉप होता था ताल से हमने जाना मतलब पैदल, और जो भी सामान बच्चे है भी चक्की ने रहने इं चलता सिस्टम। बस उस टाइम पे बस 2-3 होती थी, जैसे कौशल बस होगी, संजय बस होगी, तो टाइम से वो भी मिलती थी, तो पैदल ही चलना घर से भी कई बार, वैसा ऐसा टाइम था दोस्तों। लेकिन आज तो ऐसा है कि घर के साथ गाड़ी खड़ी होती है जाके। लेकिन बात वही है दोस्तों कि उस टाइम पे जाने का क्रेज़ होता था, लेकिन आज के टाइम में जाने का क्रेज़ भी नहीं है और टाइम भी नहीं, ऐसा ही बोल सकते हो आप। तो मतलब साल के बाद चलते हैं कि हाँ जी चाहे आते चलो मामा के घर, और बचपन वैसे अपना सारा वहीं पर बीता हुआ, ऐसा नहीं है मतलब 2 महीने की छुट्टियाँ होनी नहीं और चलो मामा घर। तो आप लोगों में ऐसे ऐसा किसी का बचपन बीता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैक्सिमम लोग ऐसा ही होता है दोस्तों कि मतलब मामा घर तो सबको ही पसंद होता है। जो दोस्तों हम पहुंचे हैं घर में और यहाँ से हम नौ जाएंगे लेफ्ट और राइट वाला जो रोड है, देखो मंडी और जाऊ के लिए जा रहा है, और लेफ्ट वाला जो धनवी नालमी इस साइड के लिए जा रहा है। तो ये जो रोड है ये हाल फिलहाल में बना है, मतलब 4-5 साल हो जाने मम्मी नीचे 4 साल हुए मम्मी को लगलाना एड़ा। और इस रोड से तो 10-15 मिनट की काम है, मतलब 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्टेशन पड़ा है ये पड़ा नालमी, और नालमी का ये स्कूल था, और ये छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है दोस्तों। जो बोरन कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूर्व विधायिका है श्रीमती कमलेश कुमारी वो भी इसी गांव से आती हैं, करनालवी गांव से, लेकिन अभी जो फिलहाल उन्होंने जो था वो अपना घर चेंज करके जो बोरन के पास बना लिया है। नालवी गांव क्रॉस करने के बाद दोस्तों अभी एक 1.5 किलोमीटर आया होगा मैं, और यहां से यह चौक आता है, अब यहां पे आ गए दो रास्ते, नीचे वाला जो है महल करा उस साइड के लिए जा रहा है, और जो ऊपर वाला है वो जाता है धनवी बोलते हैं इस गांव को वैसे, तो वहां से फिर मतलब हार्डली कोई 0.5 किलोमीटर है मामा जी का घर। और अगर नीचे वाले रोड से भी जाएंगे तो लॉन्ग पड़ता है, मतलब वो पुराने वाला रास्ता है उसमें मतलब पड़ेगा कम से कम 2-3 किलोमीटर हमें। तो अभी चलते हैं धनवी गांव से होके मामा जी के घर के लिए। तो दोस्तों अभी जो है पहुंच चुके हैं मामा जी के गांव में, और यहां पे गाड़ी जो मुड़ेगी ना ये मामा जी का घर, और ये लगी है मामा जी की गाड़ियां। तो आज जो है तीनों मामा इकट्ठे हुए हैं, मतलब मट्टन वाले मामा भी आए, उनकी गाड़ी लगी है, ये अपने विपिन मामा जी की और काका भाई हकूना मडाटा, और ये है मामा जी का घर। लेकिन मम्मी को जाना है दूसरे गांव में, जो एक और मामा जी हैं उनके घर में जाना है, तो अभी मम्मी जी को वहां पे उतारेंगे और फिर वापस जो है देखते हैं, अगर लेने आया तो आपको सभी से मिलवाएंगे, नहीं तो कभी बाद में आएंगे फ्री टाइम में तो आपको सबसे मिलवाएंगे, और थोड़ा बहुत जो है गांव का टूर भी करवाएंगे, क्योंकि मैं भी
मतलब बचपन में घूमा हूँ, उसके बाद तो हम भी कहाँ आते हैं और कहाँ घूमे, सब कुछ अब बदल गया है। अभी चलते हैं वापस जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते में उनका घर है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे गाड़ी मोड़ने के लिए आया था, अपने दीपू भाई का घर। तो यहाँ से जो मम्मी चले जाएंगे और मेरे को भी वापस हो जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। अभी जो दोस्तों हम चलते हैं घर की तरफ और घर पे जो काम है वो निपटाने हैं। तो जल्दी जल्दी में मतलब मम्मी रह गए थे और मासी वगैरह आ गए थे, तो मम्मी को छोड़ने के लिए मैं आ गया था। तो वापसी में जो दोस्तों दोबारा से मैं पहुंच चुका हूँ मोरसू के पास और अपने गोपाल भाई से खाते हैं यहाँ पे आइसक्रीम और चलते हैं फिर घर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अबे गोपाल, क्या हाल है तेरे? ठीक ठाक, खिला दे यार वनीला। तो भाई से आज आइसक्रीम ले ली, लेकिन आइसक्रीम भाई बोलता कि अभी बना के लाए हैं तो थोड़ी मेल्ट ज्यादा हो रही है, तो जल्दी से इसको निपटाते हैं। तो दोस्तों अभी घर पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे और रास्ते में हमें मिले हैं अपने अंकू भाई। और अंकू भाई जा रहे हैं मतलब तगड़े हंट पे जा रहे हैं 12-15 दिन के लिए, और अब मिलेंगे 12-15 दिन ये बोल रहे हैं, मतलब मान के चलो 15-20 दिन के बाद ही मिलेंगे हमें। तो भाई का काम है दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग का, पीने के पानी के जितने भी टैंक होते हैं घर के ऊपर, टंकियां होती हैं या कमर्शियल टैंक बने होते हैं बड़े बड़े, जैसे लाखों लीटर के जो कैपेसिटी होती है जिनकी, तो उनको साफ करते हैं। जैसे IPH विभाग के हो गए, मेडिकल मतलब कॉलेज के हो गए, तो अभी भाई भी किसी मतलब मेडिकल कॉलेज में जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ का टेंडर मिला हुआ भाई को। तो अभी तो विदाई देते हैं भाई को, बाय बाय टाटा टाटा, और फिर मिलेंगे बाद में। भाई आज सफारी लेके जा रहा है बड़े टाइम के बाद, HP 27A 0317 घूमेगी शहर में दोबारा से। और जो भाई जानते हैं कि भाई किसकी गाड़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों सुबह से जो शाम हो गई है, 8 बजे का टाइम हो गया, सनसेट हो चुका है और आज जो है बादल हैं हल्के हल्के, तो कुछ सनसेट का भी नहीं दिखाई दिया। और भूख लगी हुई है इस टाइम पर, तो मम्मी गए हुए थे मतलब मामा जी के घर पे और राधा भी अभी ऑफिस से आई है, लेट आई है, तो अभी जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि जो नई फूड वैन है वहाँ पे चलते हैं, पहले तो ट्राई करेंगे वहाँ पे, अगर मिल जाता है वहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो कहीं और पे देखते हैं। तो अभी आए दोस्तों हम फूड ट्रक जो नया वाला यहाँ पे खुला हुआ है भाई के पास, तो थोड़ा बहुत चलो भाई से बाद में बात करवाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ऑर्डर करे 2 बर्गर और साथ में करे हैं मोमो। तो अभी चलते हैं फूड ट्रक के ऊपर और फिर वहाँ पे एंजॉय लेते हैं आज के फूड का। दोस्तों लाइट जो थी ना वो तो रहेगी गाड़ी में ना, तो थोड़ा बहुत लाइट का इशू है यहाँ पे मतलब, तो अपने फ़ोन से अभी फ्लैश लाइट चल रही है। और मोमो जो है मतलब यूनिक से बनाए हुए हैं भाई, मतलब फीलिंग ही बहुत यूनिक सी है, मतलब एक बार ट्राई करना तो बनता है और टेस्टी है भाई, सब कुछ टेस्टी है। मोमो मंगवाए थे हमने, साथ में मंगवाया था हमने बर्गर है 40 रुपीज़ का एक, और मोमो की प्लेट है 80 रुपीज़ की। और बाकी टाइमिंग टूमिंग जो भाई से बात करते हैं नीचे, फिर आपको बताते हैं। और अभी बर्गर हो रहा है मेरा ख़त्म और मोमो जो बचे हुए हैं वो शिवाय के बचे हुए हैं। शिवाय लाइट नहीं आ रही बेटा यहाँ से ऐसे। तो अभी जो दोस्तों यहाँ पे पेट पूजा हो चुकी है और टाइम है घर जाने का, लेकिन भाई से थोड़ा बहुत पूछते हैं कि क्या क्या मिलता है। भाई क्या क्या मिलता है आपके पास? चिल्ली चौमिन, वेज मोमो मिल जाते हैं, सोया मोमो मिल जाते हैं। अच्छा हाँ जी, और स्प्रिंग रोल हो गया। ठीक है, राजमा। अच्छा राजमा राइस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लंच वगैरह भी लगाते हो? सिर्फ राजमा और राइस मिलती है। और टाइमिंग क्या रहती भाई आपकी ये? तो भाई ये मतलब जो फूड वैन है ये लोकेशन है मोरसू बाईपास के पास है, और मतलब टाइमिंग रहती है दोपहर में 12 बजे के करीब आते हैं भाई, और शाम को 10 बजे तक मिलते हैं। और जो भी मैंने मेन्यू आपके साथ शेयर किया ये चीज़ें जो होती है अवेलेबल होती हैं भाई के पास, तो टेस्ट बहुत मस्त था, एक बार ज़रूर भाई के पास विज़िट करना। ठीक है भाई, बाय बाय। बाय बाय वो चम्मच वाली देगा वाली वो चम्मच वाली। हाँ हाँ, तो
तो दोस्तों ये यहाँ पे मतलब फूड वैन पे खाना वगैरह खाने के मतलब जो भी बर्गर वगैरह खाने के बाद जो साथ में अपने गोपाल भाई की मतलब यहाँ पे वैन लगती है आइसक्रीम की, तो उनके पास आए हैं फिर से दोपहर में। मैं तो खा गया था, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा अभी मतलब शिवाय और राधा आए हैं साथ में, तो फिर से मतलब जो है एक एक आइसक्रीम खाएंगे और यहाँ से चल पड़ेंगे घर की ओर। शिवाय के लिए अब की बार जो है वो इसमें दी है चम्मच के साथ, क्योंकि गिर जाती है ना इससे, तो और मेरे लिए बन रही है आइसक्रीम और राधा के लिए बन रहा है बादाम शेक।